उपायुक्त हरकेश मीना ने सभी उपमंडलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारी एवं खंड चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित की और कोविड-19 के अत्यधिक संक्रमित मामलों वाले शहरों हाई लोड सिटी से जिला में आने वाले लोगों की निगरानी, स्क्रीनिंग एवं सैंपलिंग सहित विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 संक्रमित मामलों में वृद्धि दर्ज हुई है और वर्तमान में सक्रिय मामले 26 से बढ़कर 89 तक पहुंच गए हैं। जिला में सक्रिय मामलों में सभी हाई लोड शहरों से आए लोग या इनके प्राथमिक संपर्क ही शामिल हैं। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप पिछले 2-3 दिनों से विशेष तौर पर हाई लोड शहरों से आने वाले लोगों को केवल अति आवश्यक कारणों पर ही पास जारी किए जा रहे हैं। सामान्य कारणों से जिला में आने वाले लोगों के लिए पास फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। 19 को हमारे 26 केस ही एक्टिव रह गए थे, उसके बाद में अभी हमारे पास एक्टिव केसेस 89 है। टोटल केसेस 201 हो गए हैं, इसमें से एक्टिव केस 89 है। तो इसको देखते हुए जो हमने निर्णय लिया है और अभी हमने पासेस बंद किए हैं और कमिंग टाइम में इस तरह से चले जा रहे हैं, उसको देख के हम लोग अपनी कैपेसिटी को रीऑगमेंट करें। और इसमें जो भी इश्यूज क्वारंटीन है या सर्विलेंस है या इनफ्लो है, हाई लोड है, कंटेनमेंट है, इन सभी चीज़ों को लेकर हमने रिव्यू किया है। केसेस डेफिनेटली हमारे आ रहे हैं, सैम्पलिंग काफ़ी ज़्यादा इसमें सैम्पलिंग हुई है और हम लोग 100% जो भारत रिटर्न किए हैं सभी की सैम्पलिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल 2020 से 22 जून 2020 तक जिला में 27,599 लोग बाहरी राज्यों से पहुंचे हैं। इसी प्रकार गत 4 जून 2020 से 20 जून 2020 तक 1,331 लोग दिल्ली सहित विभिन्न हाई लोड शहरों से हमीरपुर जिला में आए हैं। इनमें से 70% लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं और शेष के नमूने लेने की प्रक्रिया जारी है। जिला में अभी तक 9,437 सैंपल जांच हेतु भेजे जा चुके हैं, आज भी 255 सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में संस्थागत संगरोध की क्षमता 800 के करीब है और गत 20 जून 2020 तक लगभग 750 लोग संस्थागत संगरोध में रखे गए थे। इसी प्रकार गृह संगरोध में भी 3,000 से अधिक लोग रखे गए हैं। एनआईटी परिसर हमीरपुर में स्थापित समर्पित कोविड केयर सेंटर में 180 बिस्तर की क्षमता है और अभी सक्रिय मामलों में 83 लोग ही वहाँ दाखिल हैं। यहाँ व्यवस्था और बेहतर करने की भी समीक्षा की जा रही है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पिछले 3-4 दिन में हमीरपुर में काफ़ी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि जो इनफ्लो है हाई लोड सिटीज वहाँ से काफ़ी लोग आए हैं। जो हमारे पास डिटेल है तो सब डिविजन वाइज नहीं रखी है। 1331 लोग 4 जून के बाद में दिल्ली से आए, उसके अलावा कुछ हाई लोड सिटीज हैं, मोस्ट ऑफ द लोग दिल्ली से थे। इसमें से हमने 70% लोगों के सैंपल ले लिए हैं और ये हम लोग क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन की जो कैपेसिटी है 800 के आसपास है, जो पिछले 21 तारीख के आसपास हमारे पास 750 से ऊपर लोग इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में थे, होम क्वारंटीन में भी 3,500 के आसपास लोग हुए थे। तो हमने इसको रेगुलेट करना है क्योंकि केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि संगरोध लोगों की निगरानी, स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन एक चुनौती है और सभी टीमें इसे स्वीकार करते हुए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। निगरानी व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा की जा रही है। सर्विलांस, स्क्रीनिंग, सैंपल लेने सहित सक्रिय मामलों में प्राथमिक व द्वितीयक संपर्कों की पहचान का कार्य और भी तेज किया गया है। कंटेनमेंट जोन में SDM स्वयं दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और लोगों से संपर्क स्थापित करते हुए वहां कार्य कर रहे कर्मियों का उत्साहवर्धन भी करेंगे। पंचायतों में ग्राम स्तर तक लोग जागरूक हैं और संस्थागत एवं गृह संगरोध में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों के परिवार में लोग बाहरी राज्यों से आए हैं और गृह संगरोध में हैं, उन्हें कार्यालय न आने के निर्देश पर परामर्श पूर्व में जारी किया गया है। इसकी उल्लंघना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई नियोक्ता भी ऐसे व्यक्तियों को
दुकानों इत्यादि सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों जहां लोगों का आना जाना अधिक रहता है वहां पर कार्य के लिए रखता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें कार्यस्थल पर ही संगरोध की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दो दिन रिलैक्सेशन की कोई बाहर से व्यक्ति आया है, पीडब्ल्यू काम है, डिफरेंट काम चले हुए, जहाँ वर्क साइट पे काफ़ी खुला है, जगह है, वहाँ लोग से इंटरेक्शन नहीं है, तो वर्क साइट पे आप होम क्वारंटीन कर सकते हो। बट उस तरह की चीज़ें जहाँ दुकान पे आप इंगेज कर रहे हो बाहर से आए व्यक्ति को विदाउट होम क्वारंटीन का एस ओ पी फॉलो करके, तो आप पब्लिक को सपोर्ट करो, तो इस तरह की चीज़ें हैं। मैं अगेन अपील करता हूँ जितने भी लोग हैं कि वो इस तरह के काम नहीं करें, अदरवाइज लीगल एक्शन तो है ही है, आप अदर्स को भी इस पर पुट करते हो। और अगेन जो एम्प्लॉयर है जिस भी डिपार्टमेंट में काम चला है, जहाँ भी चला हुआ है, हमने एक इंस्ट्रक्शन जारी कर रखे हैं, हमने एक लेटर पहले भी इशू किया था, आज भी इसको दोबारा फॉलो कर रहे हैं कि आपके घर में अगर कोई हाई लोड सिटीज या कहीं से बाहर से कोई होम क्वारंटाइन फॉलो आया हुआ है, क्वारंटाइन है, तो आप भी ऑफिस नहीं जाए हैं, आप इन्फॉर्म करें डिपार्टमेंट को कि मेरे इस तरह से हैं, सो आई विल अवॉइड। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र संस्टा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्चना सोनी, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण केडी कंवर सहित विभिन्न अधिकारी भी मौजूद रहे।